हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों, आप सभी लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाते हो क्या? कभी आपने बिना नाम के फोल्डर बनाने का प्रयास किया है? अगर प्रयास किया है तो हमें कमेंट में बताएं कि हाँ प्रयास किया है और बना कि नहीं बना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बिना नाम के हम फोल्डर बनाते हैं और इसका कारण भी बताएंगे कि कैसे हम बिना नाम के फोल्डर बनाते हैं और नाम का। इस वीडियो में हम एक से अधिक फोल्डर को भी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन और देखते हैं कि फोल्डर को, बिना नाम के फोल्डर को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे तो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिया। जैसे ही फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू फोल्डर टू लिख के आ रहा है, क्योंकि न्यू फोल्डर वन एक हम बनाए हुए हैं इसलिए न्यू फोल्डर टू लिख के आ रहा है। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तब भी देखिए ये हमारा न्यू फोल्डर टू जो है वो हटा नहीं। इसको फिर से हटा के और इंटर प्रेस करते हैं, फिर भी ये नहीं हटा। इसके लिए अब हम इसको हटा देते हैं और कीबोर्ड में राइट साइड में जो नमलाक की का ऑप्शन देता है उस नमलाक की को हम क्या काम करेंगे, ऑफ कर देंगे और कीबोर्ड से अल्ट के साथ 0160 इतना प्रेस करने के बाद इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे देखिए हमारे यहाँ पे बिना नाम का फोल्डर तो मैं बन गया है। आगे दिखा देता हूँ कि एक से अधिक बिना नाम के भी फोल्डर को हम लोग बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइए और फोल्डर बनाइए। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे जो भी नाम लिख के आ रहा है। फिर से हम कीबोर्ड से क्या काम करेंगे, अल्ट के साथ 0160 इतना करने के बाद आपको कीबोर्ड से राइट क्लिक होता है मास्टर की, उसको दबाएंगे। उसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे दे रहा है इंसर्ट यूनिकोड करेक्टर कंट्रोल करेक्टर, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारे सामने दो बिना नाम का फोल्डर बन गया है। मैं एक और आपको बना के दिखा देता हूँ। फिर से क्या काम करेंगे, फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाने के बाद फिर से मास्टर की को प्रेस करेंगे और इंसर्ट यूनिक इस पे जाने के बाद किसी एक को सेलेक्ट कर इंटर कर देंगे। देखिए हमारे पास तीन तो बिना नाम का फोल्डर बन गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बिना नाम का फोल्डर हमें आपको दिखाई देता है कि बिना नाम का है, लेकिन उसका एक स्पेशल करेक्टर होता है जो लेता है। आपको क्या करना होगा, स्टार्ट पे जाने जाना होगा, आपको करेक्टर मैप लिखना होगा। देखिए आपको करेक्टर मैप यहाँ पे मिल जाएगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज कर लीजिए, एरियल ही चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो की स्ट्रोक है अल्ट के साथ 0160, मतलब ये कि अगर हमको स्पेस चाहिए तो हमको कीबोर्ड से अल्ट के साथ 0160 प्रेस करना होगा और ये ब्रेक स्पेस कहलाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो।